Hello guys, welcome back to our channel CSE Concepts with Parinda. In today's video, we are going to see how to find out factorial using JavaScript. So guys, our requirement is that in this way, we will enter any number here. And as we click this button, we will show the number of factorial. ठीक है, तो ये जो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का लॉजिक है वो हम लोग लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में. फाइन, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द होल कोड. सो ये जो फैक्टोरियल फाइंड कैसे करना है उसका जो लॉजिक है वो लॉजिक हमने बिल्ड किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में. और ये जो हमको यहाँ पे यूआई दिख रहा है, ठीक है, जो वेब पेज दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है? ड्यू टू द डिजाइनिंग ऑफ एचटीएमएल. ठीक है, ये तो मैंने ब्लैंक पेज लाइक बहुत ही सिंपल सा पेज रखा है, बट इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हो, एनिमेशन ऐड कर सकते हो, यू कैन डू दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल. फाइन, सो ये जो कोड है ये अच्छे से समझना, ताकि क्या है, अगर इसी तरीके से एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से अगर आपको कोई भी और कैलकुलेशन करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ऑड है या इवन है फाइंड आउट करो, प्राइम है या कंपोजिट है बताओ, आर्मस्ट्रांग है या नहीं वो डिस्प्ले करो, ऐसे अगर कुछ भी करना हो तो लॉजिक सिमिलर वे से ही आपको लगाना होगा. ठीक है, तो लेट अस सी इट्स कोड. ये देखिए, सिंपल सा एचटीएमएल जैसे हमारा स्टार्ट होता है एचटीएमएल टैग से, उसी तरीके से एक एचटीएमएल फाइल है जो हमारा जिसका स्टार्टिंग टैग है एचटीएमएल. बॉडी फिर हमने स्टार्ट किया है, बॉडी के अंदर हमने स्टाइलिंग यूज़ किया है, बहुत बेसिक स्टाइलिंग, थोड़ा ठीक लगे इसीलिए अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे सेंटर रखा है. और फॉन्ट साइज को हमने किया है 20 पिक्सल. यहीं पे गाइस अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हो. लेट्स से मैं बैकग्राउंड कलर मुझे रखना है येलो. ठीक है, तो यू कैन डू दैट थिंग. तो यहाँ पे हम लोग देखो रिफ्रेश कर लेते हैं. सो यस, वी गॉट द बैकग्राउंड येलो. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी स्टाइलिंग करनी है आप कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें आप किसके अंदर करेंगे? एचटीएमएल के अंदर. फाइन, और ये जो मेन लॉजिक है आपका कि फैक्टोरियल, अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, लेट मी शो यू. अगर मैंने 5 डाला, कोई भी नंबर डाला, और अगर फैक्टोरियल है इस पर क्लिक किया तो सी इट इज शोइंग मी द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 5 is 120. मतलब इधर मैंने कौन सा नंबर डिस्प्ले किया है, यहाँ पे यूजर जो भी नंबर डालता है वही यहाँ पे डिस्प्ले किया है, और उसका जो भी फैक्टोरियल आए वो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से मैंने कैलकुलेट किया है और वो मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रही हूँ. ठीक है, तो ये इसका लॉजिक कैसे देखिए, ये फर्स्ट है. इसी तरीके से एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कैसे कैसे प्रोग्राम सब बना सकते हैं वो वन बाय वन हम लोग देखेंगे. ठीक है, बैक टू बैक मैं वीडियो जाने का ट्राई करूंगी. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करके रख सकते हैं, ताकि इस तरीके के जो भी सिमिलर वीडियोज है, ट्यूटोरियल्स है, वो अगर मैं अपलोड करूँ तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक आपको दिख गया होगा जैसे वर्किंग कैसे होगा. जैसे मैंने 4 डाला, फैक्टोरियल पे क्लिक किया तो 4 का कैलकुलेट करके उसने दिखा दिया फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 4 इज 24. ठीक है, लेट अस सी हाउ टू डू दैट. तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया, बीजी कलर इक्वल टू येलो डाल के. ठीक है, तो सिंपल सा एचटीएमएल है, बॉडी टैग है और H1 हेडर टैग आपको पता ही होगा. H1 के अंदर हमने लिखा हुआ है लेट अस फाइंड फैक्टोरियल, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमको हेडिंग दिख रहा है लेट अस फाइंड फैक्टोरियल. फिर हमने क्या किया, फिर हमारा जो मेन काम है हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एंटर नंबर मुझे डिस्प्ले करना है टेक्स्ट, और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड देना है. तो टेक्स्ट फील्ड हम कैसे देंगे, फॉर्म टैग में जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने बताया हुआ था कि फॉर्म टैग के साथ हमने बहुत सारे इनपुट टाइप्स देखे थे, तो ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड है. तो उसके लिए हमको लेना होगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. ठीक है, तो और नहीं भी लेंगे तो बाय डिफॉल्ट इनपुट सिर्फ आप लिखोगे तो उनको टेक्स्ट फील्ड ही देता है. फाइन, तो देखो यहाँ पे क्या है, एंटर अ नंबर, तो ये एंटर अ नंबर जो टेक्स्ट है ये हमने एज इट इज डाल दिया. फिर हमको यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट चाहिए, तो हमने इनपुट टैग ले लिया इनपुट, और उसका हमने एक आईडी दे दिया आईडी इक्वल टू नम. ठीक है, ये जो आईडी है मैंने NUM दिया है, आप यहाँ पे कोई भी आईडी दे सकते हो, इट डजंट मैटर. ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आईडी होगी आगे आपको वही यूज़ करना होगा. तो हमने क्या किया, सिंपली एंटर द नंबर टैग लिखा है और एक इनपुट टैग ले लिया और उसका आईडी ले लिया है नाम. ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, एंटर द नंबर आ गया, एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आ गया. फिर हमको यहाँ पे एक बटन चाहिए, जो बटन पे क्लिक करने पे फैक्टोरियल लिखे. ठीक है, तो एक बटन हमको चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बटन टैग का यूज़ करेंगे. फाइन, अब वो बटन के ऊपर क्या लिखना चाहिए, वो देखो बटन ओपनिंग और बटन क्लोजिंग टैग के अंदर हमको यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल लिखा तो ये फैक्टोरियल यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, जस्ट फॉर योर कन्फर्मेशन, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो आपको वहाँ पे दिखेगा. ठीक है, तो हमने अभी रैंडम कोई और टेक्स्ट डाल दिया है, तो देखो यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे
बटन ओपनिंग और बटन क्लोजिंग टैग के अंदर वो आपको आपके बटन में दिखेगा फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया। अब फैक्टोरियल का काम क्या है इस बटन का, कि यहाँ पे कोई भी नंबर लिख के जैसे ही आप इस पर क्लिक करो, इसके ऑन क्लिक में यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू दिखानी चाहिए, ठीक है। तो ये सबमिट जो बटन है आपका फैक्टोरियल वाला, ये बटन में हमको क्या डालना पड़ेगा, ऑन क्लिक का इवेंट डालना होगा। तो ये हमने इवेंट डाला है यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल टू, और यहाँ पे हमने क्या लिखा फैक्ट। तो फैक्ट नाम का एक फंक्शन हमने बनाया है जिसको हमने ऑन क्लिक पे कॉल किया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखो ये बटन भी आ गया। अब क्या है, अब नीचे एक मुझे एरिया चाहिए जहाँ पे मुझे फैक्टोरियल का वैल्यू दिखाना है, फाइन। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम एरिया, वरना आप वहाँ पे दिखाओगे। तो इसके लिए हम क्या करके रख सकते हैं, एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे रिजर्व करके रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वही किया, एक सिंपल सा पैराग्राफ टैग लिया है और जिसका आईडी हमने ले लिया है व्यू आउटपुट, ठीक है। तो सिंपल सा पैराग्राफ टैग लिया है, उसका हमने आईडी, अगेन यहाँ पे भी आईडी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आईडी हमने दे दिया व्यू आउटपुट, ताकि हमको पता चले कि ये किसके लिए है। आउटपुट व्यू करने के लिए हमने एक पैराग्राफ टैग ले लिया है, दिस इज फॉर दिस थिंग, ठीक है। अब देखो, अब जो जो चीज़ें दिखनी चाहिए ना, इतनी चीज़ें जो दिख रही है, ठीक है, ये व्यू जितनी भी चीज़ें हो रही है इतनी, ये पूरा HTML के थ्रू हो रहा है और ये पूरा का कोड इतनी चीज़ों के अंदर आ गया, गॉट इट। अब क्या होगा, अब हमारा जो मेन लॉजिक है, ये फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमारा मेन लॉजिक आएगा। अब मेन लॉजिक जो है, मैथमेटिकल लॉजिक कैलकुलेशंस, वो किसके अंदर आएगा, वो हमें करना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जावास्क्रिप्ट हमको पता है HTML में हम कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। तो देखो ऊपर जो है, जो भी चीज़ें हमें व्यू करवानी थी HTML के हेल्प से, वो पूरा हमने कर दिया। अब यहाँ पे ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग के अंदर पूरा हमारा लॉजिक आ जाएगा जो जावास्क्रिप्ट साइड में हमें बिल्ड करनी है, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक है, फैक्टोरियल का लॉजिक ऑलरेडी आपने काफ़ी बार किया ही होगा, सी जावा पाइथन अलग अलग चीज़ों में। तो देखो अंदर हमने क्या किया, ये ऑन क्लिक पे जो हमने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया था, ये फैक्ट फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। फंक्शन इज अ कीवर्ड, फंक्शन फैक्ट और पैरेंथेसिस स्टार्ट है, फाइन। तो यहाँ से हमारा फंक्शन बन रहा है। फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, तीन वेरिएबल्स ले लिए, एक वेरिएबल को हमने वन वैल्यू दे दी। अब हमको एक्चुअली किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, जो भी नंबर इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया हो उसका, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, इनपुट है, इनपुट आई डी इक्वल टू हमने क्या किया है, नम। अब ये नम के हेल्प से या आई डी के हेल्प से हम लोग उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो वो कैसे लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी नम। ये नम क्या है, इससे पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू उसको लेनी है, ये इनपुट टाइप की, ये जो फील्ड है उसके अंदर की वैल्यू लेनी है। तो गेट एलिमेंट बाई आई डी जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, यू शुड बी नोइंग दिस, ठीक है। तो नम इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी नम, ये जो भी आपने आई डी दिया था यहाँ पे, वो आई डी आपको डालना होगा, गेट एलिमेंट बाई आई डी नम डॉट वैल्यू, उसकी हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन से क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट फील्ड में यूजर जो भी डालेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 7 डाला था, यहाँ पे यूजर जो भी डालेगा वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इस नम में आ जाएगी। अब बस नम में हमको वैल्यू मिल गया, अब हमको क्या करना है, लूप चलाना है और इस नम का हमको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। और फैक्टोरियल फाइंड कैसे करते हैं, जैसे 2 का फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सिंपल सा क्या करना है, जो भी नंबर है उसका 1-1 डिक्रीमेंट करते रहेंगे और उसी के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इट इज़ दैट सिंपल। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, देखो सिर्फ बिल्कुल जैसे सी जावा में आप लोग जैसे लूप लिखते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लूप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू नम, नम क्या है, ये वाला नंबर है जिसकी हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू नम, आई प्लस प्लस f into f equal to f into y, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 5 हो तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो सारे मल्टीप्लीकेशन आएंगे। तो लूप के अंदर हमने रिकर्सिवली यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया है, और जैसे ही हमारा लूप खत्म होता है, हर लूप के बाद हमको क्या करना है, नंबर को बस 1 से डिक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है, इट इज दैट सिंपल। इतने लॉजिक से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फैक्टोरियल मिल जाएगा, और फैक्टोरियल की फाइनल वैल्यू होगी किसमें, f में। तो बस लास्ट में हमने क्या किया, अब हमको आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट हमको कहाँ पे दिखाना है, ये फैक्टोरियल वाले बटन के नीचे। तो इधर के लिए हमने क्या लिया था, एक पैराग्राफ टैग ले लिया था, पैराग्राफ,
और उसकी आईडी मैंने क्या ली थी, व्यू आउटपुट। तो ये व्यू आउटपुट नाम का जो आईडी है, यहाँ पे मुझे मेरा आउटपुट दिखाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाली आईडी व्यू आउटपुट। अब इसके अंदर जब भी हमको कुछ लिखना है तो हम क्या करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। ये व्यू आउटपुट क्या है, ये वाला आईडी है, और डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, अब आपको जो भी वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर प्लस आई। यहाँ पे भी कोई भी चीज़ कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस का साइन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर प्लस आई इज प्लस एफ। एफ में क्या होगा, हमारा यहाँ पे कंटिन्यूस हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एफ पे हमारा फाइनल फैक्टोरियल होगा, दैट्स इट। बस ये पूरा लॉजिक खत्म हो गया, हमने आउटपुट भी डिस्प्ले करवा दिया, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग बंद कर देंगे, करेक्ट। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग के अंदर इतने में पूरा हमारा लॉजिक आ गया। अब आपको कोई भी लॉजिक लगाना है, ऑड इवन नंबर का, प्राइम कंपोजिट नंबर का, आर्मस्ट्रांग नंबर का, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का, तो जो भी आपको लॉजिक लगाना है वो पूरा लॉजिक इस तरीके से आप स्क्रिप्ट के अंदर लगाओगे, ठीक है। और बस एट द एंड हमने बॉडी क्लोज कर दिया, एचटीएमएल क्लोज कर दिया। सो दिस इज अ सिंपल कोड, ठीक है। इतने से ही कोड में, एक पेज का भी कोड नहीं है, और इतने से कोड के हेल्प से हमने ये डिज़ाइन किया वेब पेज, ये एचटीएमएल के थ्रू चीज़ें डिस्प्ले करवाई, और अल्टीमेटली हमारा हमारा पूरा ये वर्क कर रहा है वेब पेज, कैसे कि हम यहाँ पे जो भी डाल रहे हैं उसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके वो रन टाइम पे दिखा रहा है, फाइन। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यही बेसिक्स अगर आपका क्लियर हो तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इसी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी काइंड ऑफ एक वेब पेज आपका बन गया जो आपको रन टाइम पे नंबर्स का फैक्टोरियल बना के देगा एज पर द यूजर इनपुट। तो इसी तरीके से जब इसी तरीके के 8-10 कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग फंक्शनलिटीज ऐड कर दे, वही आपका वेबसाइट बन जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन।